मधुमक्खी का शहद खत्म होने के बाद जो छत्ता बचता है उसका इस्तेमाल शहद से भी ज्यादा होता है। देखो मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो कि मधुमक्खी के पेट से निकलता है, और जब इसके साथ नारियल का तेल, कोको बटर, पेपरमिंट का तेल मिलाते हैं तो ये एक बेहतरीन लिप बाम बनकर तैयार हो जाता है, जिसे फटे हुए होंठों पर लगाने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और दूसरा ये कि मधुमक्खी के छत्ते में नारियल के तेल को मिलाकर बालों में लगाने से हेयर फॉल रुक जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ ही मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है चिकन अपना सिर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग सिर में नहीं बल्कि गर्दन और सिर के बीच में होता है। वैसे क्या आपने कभी चिकन खाया है? कमेंट करके जरूर बताना।